हेलो एवरीवन टुडे वील बी डिस्कसिंग समरी एनालिसिस पोइटिक डिवाइसेस एंड थीम ऑफ द पोम डाफोड्स व्हिच इज़ आल्सो नोन बाय द नेम आई वॉन्टड लोनली एज अ क्लाउड इस पोयम को लिखा है विलियम वर्ड्सवर्थ ने इन द ईयर 1804 और इसे पब्लिश किया गया था 1815 में ये एक लिरिकल पोएम है और लिरिकल पोएम वो होती है जिसमें पोएट अपनी पर्सनल फीलिंग्स और इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं नाउ लेट डिस्कस द समरी ऑफ द पोम द पोम टॉक्स अबाउट द पोएट वॉन्डरिंग अराउंड थ्रू हिल्स एंड वैलीज एंड फेल्ट लोनली सडनली एज ही अ लेक ही इनकाउंटर्स डेफोडिल्स इन ही नंबर्स एंड कंपेयर्स दैम विद स्टार्स दैट शाइन ऑन मिल्की वे तो इस पोम में पोइट ने अपनी बात की है कि कैसे वो अकेला फील कर रहे हैं और इधर उधर घूम रहे हैं हिल्स और वैलीज पे और फिर वो देखते हैं ग्रुप ऑफ डैफोडल्स डैफोडल्स एक फ्लावर होते हैं और वो ग्रुप ऑफ डैफोडल्स देखते हैं बहुत सारे नंबर्स में और वो उन डैफोडल्स को कंपेयर करते हैं स्टार्स से हिज लोनलीनेस गेट्स रिप्लेसड विद जॉय एंड ही गेट्स इन्ग्रोस्ड इन द ब्यूटी ऑफ द डैफोडल्स लेटर द beautiful मेमोरीज ऑफ daffodils हेल्प हिम टू ओवरकम सैडनेस इन लाइफ एंड फिल हिज़ हार्ट विद हैप्पीनेस तो जब पोइट को घूमते घूमते डैफोडिल्स नजर आ जाते हैं तो उनका अकेलापन उनकी सैडनेस खुशी में बदल जाती है डैफोडिल्स की ब्यूटी को देखकर। और बाद में जब कभी भी वो सैड होते हैं या अकेले होते हैं तो वो डैफोडिल्स वाले पूरे सीन को याद करते हैं और उससे उनका दिल खुशी से भर जाता है नाउ लेट इस डिस्कस द राइम स्कीम ऑफ दिस पोएम So the rhyme scheme of the poem is ababcc. -C. Cloud rhymes with crowd, hills rhymes with daffodils, and trees rhymes with breeze. And in the next stanza, shine rhymes with line, way rhymes with bay, and glance rhymes with dance. In the third stanza, day rhymes with gay, glee rhymes with company, and thought rhymes with brought. In the fourth stanza lie rhymes with i mood rhymes with solitude and fills rhyme with daffodils so the rhyme scheme of the whole poem is ababcc -C. now let us discuss figure of speech used in this poem first figure of speech used is personification and simile in the line i wandered lonely as a cloud तो इस लाइन में पोइट खुद को एक ऑब्जेक्ट से कंपेयर कर रहे हैं दैट इज़ क्लाउड तो फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पे जो यूज़ हुआ है वो है प्रसोनिफिकेशन नेक्स्ट फिगर ऑफ़ स्पीच यूज इज़ सिमिली कंटिन्यूस एज द स्टार्स दैट शाइन एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे इस लाइन में पोइट ने डैफोडिल्स को कंपेयर किया है स्टार्स से यानी कि वो नेचर को यूनिवर्स से कनेक्ट कर रहे हैं तो फिगर ऑफ़ स्पीच यहाँ पे जो यूज़ हुआ है वो है सिमली अगेन इन द लाइन टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस द वेव्स बिसाइड देम डांसड तो पोइट ने फिर से पर्सोनिफिकेशन का यूज़ किया है इस लाइन में बिकॉज उन्होंने ह्यूमन एक्टिविटी दैट इज डांस को डाफोडल्स को करते हुए बताया है तो एक तरह से उन, उन्होंने डाफोडल्स को ह्यूमन एक्टिविटीज करते हुए बताया है तो वो यहाँ पे प्रसोनिफिकेशन का यूज़ कर रहे हैं एंड वर्ड्स लाइक फ्लटरिंग, डांसिंग स्ट्रेस्ड हेड्स कंपनी एक्सेट्रा आर यूज तो इससे भी उन्होंने प्रसोनिफिकेशन का यूज़ किया है नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच हाइपरबोल टेन थाउजेंड सॉ आई एटा ग्लांस सो हियर द पोइट है टेन थाउजेंड सो आई एटा ग्लांस विच इज़ क्विट एंड एग्जैजेशन मीन्स कि पोइट ने कहा कि एक बार में मैंने दस हज़ार फूल देखे तो वो कुछ ज़्यादा ही एग्जैजरेट करके बोलना है तो यहाँ पर जो फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है वो है हाईपरबो नेक्स्ट फिगर ऑफ़ स्पीच यूज इज़ एटरेशन और एलिटरेशन क्या होता है सिमिलर साउंड का रिपीटिशन तो यहाँ पर हिल्स एंड हाई में एच साउंड का हा साउंड का रिपीटिशन हुआ है तो यहाँ पे एलिटरेशन का भी यूज हुआ है नाउ लेट डिस्कस द थीम ऑफ द पोम सो द थीम ऑफ द पोम कुड बी ब्यूटी ऑफ नेचर एंड हैप्पीनेस और ओवरकमिंग द सैडनेस